नेता वाली ड्रेस पहन के आए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन हम मसीह के नेता हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। समय हम वचन की ओर जाएंगे। जो आज का जो विषय है वो उपास के ऊपर है। हालेलुया। उपास क्यों रखना चाहिए और उपास का उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, हम वचन से पहले, हम एक वचन और पढ़ेंगे, क्योंकि आराधना का भी बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है उस आराधना का और वचन का। ये दोनों का मेल एक ही है ना। तो इस चीज को हम आज नई तरीके से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान इधर होना चाहिए। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष। पूरा ध्यान से आप सुनिएगा। आज आपको कुछ तो परमेश्वर नया बातें दिखाने जा रहा है, सिखाने जा रहा है, समझाने जा रहा है, बताने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? जोर से हालेलुया होगा कि हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम पढ़ते हैं योन्ना का 4:23। अगर कोई जोर से पढ़ देंगे तो इससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, पढ़िए 4:23। परंतु वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को आज भी यीशु खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोज रहा है। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में दुख होगा, आपके जीवन में समस्या होगा, आपके जीवन में परेशानी होगा, आपके जीवन में बीमारी होगा, आपके जीवन में कर्जा होगा, आपके जीवन में जो भी संकट होगा, किसी प्रकार का भी संकट होगा, किसी प्रकार का भी समस्या होगा, लेकिन आराधना आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर जब आत्मा आंसू के साथ आप जब आराधना करते हैं, प्रभु के साथ बात करते हैं, प्रभु के साथ अपने चरणों में आते हैं, जब रोते हैं, जब दोनों हाथ ऊपर करके घुटना टेक कर जब प्रभु की ओर आप आंखें लगाते, जैसा अपने प्रभु के दास ने विजय जी ने अभी गाना गाया, मैं अपनी आंखें पहाड़ की ओर लगाऊंगा, मैं अपने आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। और जब स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन छोड़ के आपके दिल में सीधा आ जाने से क्या हो जाएगा मालूम है? आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है, परमेश्वर का वचन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आज क्या है, विश्राम दिन है, परमेश्वर ने हमें पूरा सप्ताह भर हमें संभाला। हालेलुया, क्या कह रहे, पूरा सप्ताह भर हमें संभाला, हर एक संकट से, समस्या से, हर एक परिस्थिति से प्रभु ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया, क्यों? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। जब आप आराधना करते हो, जब आप वचन सुनते हो, जब उसको पालन करते हो, जब उसके अनुसार चलते हो, तो आपके जीवन में आनंद के साथ, शांति के साथ, चंगाई के साथ, सारी चीजें परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, मांगो खटखटाओ ढूंढोगे। तो हम मांगते हैं लेकिन ढूंढते नहीं है। हालेलुया। आपका परमेश्वर यीशु मसीह जारे सारे सृष्टि को बनाने वाला, आपके आपको अपने रूप में, स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपके आपके बीच में आना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सीखेंगे उपास के बारे में। हालेलुया, सीखेंगे ना, सीखेंगे। उपास क्यों रखा जाता है? उपास कोई 3 दिन का रखता है, कोई 1 हफ्ता का रखता है, कोई 11 दिन का रखता है, कोई 18 दिन का रखता है, कोई 25 दिन, कोई 40 दिन। तो 40 दिन का जो उपास है ना, ये किसने रखा है? सबसे पहले देखा जाए तो हम पुराने नियम में भी बहुत लोगों ने रखा है, लेकिन नया नियम में खुद परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का उपवास उन्होंने किया। उपवास करने से आपके जीवन में जो पहाड़ है, वो पहाड़
उपास के द्वारा टूट जाता है। हालेलुया। हम कुछ पाने के लिए उपास नहीं करना है, हमें कुछ मिलेगा करके उपास नहीं रखना है। हालेलुया। किसी मकसद के लिए, किसी योजना के लिए आप ये रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में जब उन्होंने 40 दिन का उपास रखा, साधु सुंदर सिंह ने 40 दिन का उपास रखा, जब 40 दिन का उपास सुंदर सिंह जी ने रखा तो सांप बिच्छू टाइगर जो शेर बाघ वो उनके सामने आजू बाजू में उनका शब्द सुनते थे। हालेलुया। अभी हम यहाँ बहुत से लोग लड़की लोग ज्यादा डरते हैं छिपकली और वो कॉकरोच से, कॉकरोच रिएक्शन ही अलग हो जाता है। चूहा से डरते, इससे डरते, उससे डरते, लेकिन उपास रखने से, 40 दिन का उपास रखने से शेर भी जा रहा है, सांप भी जा रहा है, शेर भी सलाम कर रहा है, सांप भी सलाम कर रहा है, सब सलाम कर रहा है, किसको? परमेश्वर के दास को। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन उनके उपास रखने के बाद उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं वचन में। हालेलुया। हालेलुया। शैतान सामने आ जाता है, क्या आता है? और प्रभु से वार्तालाप करता है, और परमेश्वर यीशु मसीह वचन से बात करता है, जब वचन से बात करता है तो भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 6 का, मत्ती 6 का 16 वचन पढ़िए उपास। हालेलुया। जी धन्यवाद। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए टाइम मेरे को। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह आत्मा मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। उपवास रखना है तो दिखाने के लिए नहीं रखना है, कुछ पाने के लिए नहीं करना है, कुछ मिलेगा तो उसके लिए हम उपास करते हैं, किसी के लिए नहीं रखना है, रखना है तो यीशु मसीह के लिए रखना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, और परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखा है, और वो योजना को हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। उपास, आप उपास से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। और उपास से और आराधना से, परमेश्वर के वचन से हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो जताना चाहता है कि मैं कितना महान परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वही आपको बचाता है और वही आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस का 2:18 और लुका का 33 पढ़िएगा। उपास रखने से हमारे जीवन में परमेश्वर कैसा काम करता है। हालेलुया। जीसस। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अंत उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हालेलुया। और वहां पे फरीसी के चेले भी उपास रखते हैं और यूहन्ना के चेले भी उपास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले उपास क्यों नहीं रखते हैं। हालेलुया। पढ़िए लुका का 5:33। हालेलुया। जीसस। बड़ा फटाफट दीजिए, क्योंकि क्या है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने वहाँ पे एक जगह पे ऐसा बोला है कि फरीसी के चेले भी उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले खाते पीते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, वो समय आएगा। हालेलुया। अब जैसा दूल्हा किसी के शादी में जा रहे हैं, दूल्हा के शादी हो रहा है, तो आप शादी में जाओगे तो उपवास करोगे?
वहाँ तो वो खुशी का समय है, खाने का समय है, खान पीन तो वहाँ शादी में अच्छा मिलता है। क्या मिलता है? सब कुछ खाने का ही बारे में विषय है। लेकिन दूल्हा के घर पे जाएंगे तो आपको उपास तो नहीं रखेंगे, है ना? उपास भी रखेंगे तो बोले अरे खा लेते हैं, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा अच्छा मिठाई है, वो आ जाता है मुख में पानी, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला है, क्या बोला है? कि वो समय आएगा कि दूल्हा को क्या करेंगे, जब दूल्हा यहां से जाएगा तो फिर वो लोग उपास रखेंगे, मेरे लोग उपास रखेंगे, हालेलुया। और वही चीज जब प्रभु ऊपर गया, स्वर्ग में गया, तभी से अभी चलते आ रहा है, हालेलुया। उपास जितना आप रखेंगे आपके लिए बेनिफिट है, उतना आपका फायदा है। हाँ, आपका शरीर में जो प्रॉब्लम है, कैपेसिटी, उनके अनुसार कीजिए। मैं आज बोल रहा हूं कि भाई उपास रखिए तो ऐसा मत देखिए आप लगे रहे, ऐसा भी नहीं, हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना करें, हालेलुया। आप रख सकते कि नहीं रख सकते वो कैपेसिटी आपके ऊपर है, हालेलुया। और मैं बोल दिया, पास्टर जी ने बोल दिया, आप कर दिया, ऐसा नहीं। आपको खुद को इच्छा होना चाहिए, खुद को ये क्या होना चाहिए, इच्छा, हालेलुया। आप जो भी करें दिल से करें, मन से न करें, हालेलुया। क्योंकि मन धोखा देने वाला होता है और दिल से जो करते हैं वो उत्तम होता है, हालेलुया, हालेलुया। जो आप दिल से करते हैं, जो भी काम आप करें, जैसा भी आप काम करते हैं, चाहे ऑफिस में करते हो, चाहे खेत में करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, जो भी करते हो, आते हो जाते हो, जिससे भी बात करते हो, तो आप जो भी करें दिल से करें, कोई बोल रहा है करके मत कीजिए, हालेलुया, कोई बोल रहा है करके मत कीजिए, लेकिन दिल से करेंगे तो आप आशीष का कारण होंगे, हालेलुया। क्योंकि आपसे प्रभु बहुत कुछ देना चाहता है, हालेलुया। मैं उपास भी रख रहा हूं, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत मैंने ये किया, मैंने बहुत वो किया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? तो हमें खुद अपने आप को ढूंढना है, हालेलुया। जब हम अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, हम अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, तभी हम उसमें सुधर सकते हैं, हालेलुया। और सुधारने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। जब हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? क्षमा करता है, हालेलुया, हालेलुया। हम किसी के साथ, किसी ने हमारे साथ अगर उल्टा पुल्टा किया तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है, माफ करना है, हालेलुया। जब प्रभु का वचन बोलता है कि तुम पृथ्वी में अगर किसी के लिए तुम माफ करोगे तो स्वर्ग में भी तुम्हें माफ किया जाएगा, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, हालेलुया, बांधा जाएगा, हालेलुया। अब सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि शैतान 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 बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, चर्च में पास्टर ने, पास्टर जी ने चेलों के साथ बैठ के शैतान के बारे में डिस्कशन किया कि शैतान कैसे आता है मनुष्य के जीवन में, कैसे आता है करके पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार करते ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये इस बातों से आपको सीखने को मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस बात से सीखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में वो ताकत और बल देगा, हालेलुया। क्योंकि हम वचन तो जरूरी है, आराधना भी जरूरी है और प्रार्थना भी जरूरी है, हालेलुया। लेकिन बहुत क्या होता है कि बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपास भी रख रहे हैं, बहुत आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है कुछ नहीं, हाले। हमें पहचानना है कि शैतान कैसे काम करता है। तो वहां पे पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते टाइम पे उन्होंने बोला शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, आपके जीवन में ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो एक बदर उठ गए बीच में से, एक लीडर उठ के बोला पास्टर जी आज मैं तो शैतान को ढूंढ के रहूंगा। क्या बोला? आज शैतान से मिल के रहूंगा बोल के। सुबह का वो मीटिंग था 6 बजे का, तो मीटिंग में वो पास्टर जी ने बोला और मैं नाश्ता भी नहीं करूंगा, खाना भी नहीं, जब तक शैतान नहीं मिलेगा मैं तब तक खोजता रहूंगा। तो शैतान खोजने के लिए निकल गया, तो कहां गया? दारू के अड्डे में चला गया। तो दारू के अड्डे में जाके सब दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, फूक अपने मस्ती में, हा हू हल्ला उल्ला चल रहा है, सब पी रहे। वहां जाके देख रहा है किधर है शैतान, तो उसको शैतान नजर नहीं आया। फिर कहां गया वो? फिर कहां गया? जहां ड्रग्स बेचते हैं, कहां ड्रग्स बेचते हैं ना, ड्रग्स पीते हैं, तो ड्रग्स में वो इंजेक्शन लगा के और क्या क्या करके वो बेहोशी रहते हैं वो, तो उसके बीच में गया, देखा अरे इधर भी शैतान नहीं है,
सब लेटे हुए, सब एकदम सब सबका हालत खराब है ना। तो वहां भी उसको शैतान नहीं मिला। फिर वहां से गया जुआ के अड्डे में, जुआ के अड्डे में गया, वहां जहाँ जुआ खेलते हैं वहां गया, वहां भी देखा, अरे सब पैसा लेन देन कर रहे हैं, सब जीत रहे हैं, हार रहे हैं कोई, और जो हार रहा है वो रो रहा है, जो जीत रहा है खुशी से ये कर रहा है। तो वहां भी बोलता है अरे शैतान नहीं है, थका, खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं खाया, और थक के शाम को घर की ओर जा रहा था। तो क्या है कि जिस घर से वो जहां से जा रहा है, पहला चर्च आता है फिर बाद में उसका घर आता है। क्या आता है? पहला चर्च आता है फिर बाद में उसका घर आता है। तो उसने बोला जाऊंगा चर्च में जाके थोड़ा आराधना करके प्रार्थना कर, शैतान तो मिला नहीं, अब जाऊंगा जाके फिर मैं घर में जाके खाना खा के सो जाऊंगा, शैतान तो मिला नहीं। तो परेशान था, चिंता में था, टेंशन में था, थका हुआ था, है ना, भूखा था, तो इसीलिए वो थकते हुए जा रहा था, सोचते हुए क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, बोल सोचते हुए जा रहा था। तो चर्च में आवाज आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है चर्च में, तेरी आराधना करूं, है ना, ये गाना चल रहा था, आराधना चल रहा था, उसको एकदम आनंद हो गया, भूख भी उसका निकल गया, इतना खुश हो गया, चलो अब चर्च में जाके आराधना करूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। तो जैसे चर्च के अंदर गेट के अंदर घुसने के लिए ऐसे एंट्री मारा, तो वो चर्च का जो गेट है, अब दो गेट होता है, एक बाहर का गेट, एक अंदर का गेट। तो जैसे वो बाहर के गेट से ऐसे देखा तो चर्च के गेट में शैतान खड़ा है, ऐसे खड़ा है, अरे बाप रे, तो बोलता है अरे मैं इसको सुबह से खोज रहा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, यहां क्या कर रहा है ये। वो गुस्से में जाके बोला उसके, जाके ए तू यहां क्या कर रहा है, मैं तेरे को सुबह से वहां गया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया, किधर भी तू नहीं मिला, यहां क्या कर रहा है चर्च में, ये तो हमारा यहां हमारा परमेश्वर का जगह है। क्या बोला? ये तो हमारा परमेश्वर का जगह है, तू यहां, शैतान बोलता है तू यहां क्या कर रहा है, तेरा रोल क्या है, यहां क्या करने के लिए आया तू। तो शैतान बोलता है बेटा तू सुबह से खोज रहा है ना, भूखा प्यासा सुबह से मुझे खोज रहा था ना, उधर तेरे को कहीं भी नहीं मिलेगा, उधर मेरा सब सेटिंग है, मैंने सेट करके रखा हुआ है, हालेलुया, मैं उधर सेटिंग करके रखा हूं, मैं मिलूंगा तो इधर ही मिलूंगा। बोले इधर क्यों मिलोगे? बोले तेरे जैसे आदमी को लेने के लिए मिलूंगा। हालेलुया। शैतान चर्च के अंदर आ नहीं सकता है, लेकिन गेट में एनी टाइम रहता है। हालेलुया। लेकिन चर्च के अंदर यीशु मसीह है तो शैतान का कदम उधर नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन जब चर्च में आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आराधना करेंगे, आपको परमेश्वर छुप करा देगा, चंगाई देगा, शांति देगा, आनंद देगा, लेकिन वही आनंद को गेट के बाहर निकलेंगे तो आपको वो आनंद छीन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप चर्च आते टाइम में आनंद ही आनंद है, खुशी है, खुशी है, बाहर जाएंगे फिर टेंशन देगा आपको, क्या देगा, टेंशन देगा। तो टेंशन देना नहीं तो लेना भी नहीं। हालेलुया। टेंशन लेना भी नहीं और लेना भी नहीं। जब ये आप करेंगे, परमेश्वर का वचन आप अंदर सुनेंगे, आराधना आप अंदर करेंगे, बाहर भी आराधना होना चाहिए, बाहर भी वचन होना चाहिए, तब शैतान आपको छू नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान दो ही जगह पे मिलेगा, चर्च में और घर में। हालेलुया। चर्च में स्वर्गदूत, चर्च में स्वर्गदूत, घर में भूत। हालेलुया। चर्च में स्वर्गदूत बन जाते, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में जा चला गया वो। घर में अपना व्यवहार, बीबी को टैग, पानी नहीं लाया, चाय नहीं लाया, खाना नहीं लाया, ये नमक ज्यादा डाल दिया। हालेलुया। चर्च में भी स्वर्गदूत करना है, घर में भी स्वर्गदूत बनना है। हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। इतवार को अंदर आते बाहर आते जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह बदर, जय मसीह सिस्टर। चर्च से बाहर निकले अपनी खुशी, चर्च में जय मसीह, बाहर अपनी खुशी। हालेलुया। चर्च में भी जय मसीह,
बाहर भी जय मसीह, काम में भी जय मसीह, खेत में भी जय मसीह, नौकरी में भी जय मसीह, सोते समय भी जय मसीह, उठते समय भी जय मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब समझदार हो जाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तभी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, शैतान ऐसा चीज होने नहीं देता है। लोगों के माइंड को एनी टाइम वो चेंज करना चाहता है, वो बदलना चाहता है, आपको खुश नहीं देखना चाहता है, वो आपको स्वर्ग जाना नहीं देना चाहता है, वो आपके जीवन में तकलीफ समस्या लाना चाहता है। क्यों लाना चाहता है? यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है कि शैतान बोलता है, मैं तुम्हें बीमार करने के लिए आया हूं, तुम्हें मैं समस्या में डालने के लिए, संकट में डालने के लिए, परीक्षा करने के लिए, तुम्हारे कर्जे में डालने के लिए, तुम्हारे बिना संतान होने के लिए, तुम परिवार में टूटने के लिए मैं आया हूं, ऐसा बोल के शैतान बोलता है। और यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, तुम्हें आशीष करने के लिए आया हूं, तुम्हें उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित है? हालेलुया। हमारे बदर का साधु सुंदर सिंह देख के जोश में हालेलुया बोल रहे हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप हालेलुया बोलेंगे, जितना एनर्जी के साथ बोलेंगे, आप फिट रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, महान है, महान है, महान है। उसकी बयान, उसकी उसकी जो कल्पना है, जो उसकी योजना है, हम बयान नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो अलग ही अनोखा प्यार है उसका, जो हमसे और आपसे करता है। हालेलुया। हरेक हरेक का एक जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदारी ले, एक निर्णय ले, ये निर्णय ले कि हमें चर्च में, घर में कभी भी जलन नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। ये तीन चीज से परमेश्वर नफरत करता है। इस तीन चीज को आप हटा दोगे और आप दयावान बनना है, नम्रता बनना है, और हम खुद अपने परिवार से प्यार करके, खुद से प्यार करके दूसरे से प्यार करना है। हालेलुया। जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर आपको जमीन से आसमान में उठा देगा। हालेलुया। जब उसके वचन को सुनकर, मानकर, चलकर, तो परमेश्वर आपको जमीन से आसमान में उठा देगा। हमने ऐसे हजारों करोड़ों, 22 साल हो गया प्रभु में, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो जीरो थे, साइकिल भी उनके पास नहीं था, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देता है, अगर उसको आपने संभाला नहीं, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, लापरवाही किया, परमेश्वर के खिलाफ किया, तो आपको दंड भी मिलेगा। हालेलुया। दंड भी मिलेगा। आप अच्छा करोगे, अच्छा बीज बोओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कोई भी गेहूं का दाना जब तक जमीन में नहीं पड़ता है, वो अकेला रहता है, जब वो मर जाता है तो हजार गुना फल लेके आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, और आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी और जगह खाली है पीछे। धन्यवाद देता हूं, पहली बार आया था, इतने ही पब्लिक नजर आया था, थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा है मुझे। अब मैं थर्ड टाइम आऊंगा तो बाहर तक होना चाहिए, बाहर तक होना चाहिए, थर्ड टाइम आऊंगा, बाहर तक होना चाहिए। यह आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है, यह पास्टर जी का जिम्मेदारी नहीं है, यह आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका जिम्मेदारी है, आप कैसे उसको गेट तक ले जाना है, कैसे गेट तक ले जाना है, और गेट के बाहर भी लोग भरना चाहिए। हजारों लोगों, करोड़ों लोगों, लाखों लोग कोरोना में, अभी युद्ध चल रहा है, अभी रशिया, और न्यूज तो आप देखते होंगे, पक्का मालूम है, न्यूज में तो पता चल रहा है कि रशिया से युद्ध चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने भारतीय छात्र को भारत में लेके आ गए। हाँ, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है, बोल दिया है कि ये बातें अंत के दिनों में होगा। लेकिन जो कोई
आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहेगा वही उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और एक पढ़ेंगे 19 का, योहन्ना का 19 का 17 और 28 पढ़ दीजिए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्यों क्रूस पर मरा और मरते समय क्या बोला? हालेलुया, क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा करो, ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। वो उस टाइम में इतने लंबे इतना एक किला उनके हाथ में ठोक दिया गया था, उनके पैर में ठोक दिया गया था, उनको जो कोड़े लगाए थे वो कोड़ा हमारे ऊपर था, हमारा सजा था। उनको प्रभु को ऐसा बांध के एक गुनाहगार एक चोर को ऐसा तरह से करते हैं, उसी तरह से प्रभु को जब ऐसा कोड़ा मारा ऐसा जब तो शरीर से एकदम चमड़े के साथ वो मांस के साथ ऐसा निकलता था। क्यों? ये आपकी सजा था, ये आपका सजा था, ये हमारा सजा था। लेकिन प्रभु ने कहने क्यों सह लिया कि इस परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप ठट्टा करोगे, उसका मजाक बनाओगे तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं करेगा। ये जान लीजिए, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। हालेलुया। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा काटोगे, तो बुरा बोओगे तो बुरा ही काटोगे, क्योंकि अच्छा फल बुरा नहीं लाएगा और बुरा फल कभी अच्छा नहीं लाएगा। जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है वो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि आपसे यही बताना चाहता है कि हमारा जीवन 22 साल पहले दुख में था, श्राप में था, बंधन में था, आंसू में था, प्यार नहीं था और हर एक समस्या से गुजरा था। भूखे थे, नंगे थे, कोई आशा नहीं था, कुछ भी आशा नहीं था कि कल क्या होगा, कोई नहीं जान सकता कल क्या होगा। लेकिन मुझे जब से यीशु मसीह मिला है मेरे जीवन में एक आशा ही आशा है, एक ज्योति ही ज्योति है, आशा ही आशा है। और ये आशा है जब मैं मरूंगा, शरीर को छोड़ूंगा तो स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर मैं बैठूंगा। हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है तो आपकी कोई आपको मैं और पास्टर जी भी लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है तो आपको खुद तैयार रहना होगा। हालेलुया। आप जब खुद तैयार होंगे, पवित्र बनेंगे, प्रभु के आज्ञाकारी रहेंगे, आप दसवां देते तो दसवां दीजिए, चर्च में हर एतवार को आइए, सीखिए और सीखकर समझकर आप दूसरे को सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। हम ताली सीखते रह रहे, सीखते रह रहे हैं। हम 15 साल से भी ताली बजा रहे, 20 साल से भी ताली बजा रहे। हम ताली बजाने वाले में से नहीं। मैदान में जाइए और बैठ लीजिए और चौका मगा दीजिए, मौका मिले तो 2 रन भी लीजिए, मौका मिले चौका मार दीजिए, लास्ट में छक्का ही मार दीजिए। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, हर एक इंसान से प्रभु यही चाहता है, क्योंकि प्रभु में जो भी आते हैं आसानी से नहीं आते हैं, उनका गवाही बड़ा होता है। हालेलुया। किसी को बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चे को परमेश्वर दे देता है बच्चे के लिए आते हैं। कोई बीमार होता है, कोई भी बड़े से बड़े एड्स हो, कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर मुर्दे को भी जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो 2000 साल पहले खुद कर रहा था, आज भी वो खुद कर रहा है, उसका आत्मा कर रहा है। हालेलुया। इंसान के बस में कोई बात नहीं है, इंसान के बल में कुछ भी बात नहीं, ना बल से ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा से। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको मिल गया तो आप सब कुछ कर सकते हो, यीशु मसीह में आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार कर रहा है। हालेलुया। आगे हम खड़े हो जाते हैं और एक गीत गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता का 103 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो भी हमारे जीवन में उपकार किया है, जो भी उपकार किया है उसको कभी ना भूलना, कभी नहीं भूलना है। अनंत आपके आखिरी सांस तक आपको प्रभु की महिमा करना है, तभी आप स्वर्ग के राज्य वारिस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी। सभी लोग आंख बंद करिए, जितने भी वचन को सुना है ये फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग क्यों करना चाहिए,
किसके लिए करना चाहिए, ये हमें दर्शन होना चाहिए, हमें विजन होना चाहिए, हमें आत्मा में बढ़ना है। फास्टिंग से हमें आत्मा में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, आराधना में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, पास्टर जी के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, पास्टर जी के साथ मिलकर जितना आप प्रभु के लिए काम करोगे, स्वर्ग के राज्य की खोजी करोगे, तो स्वर्ग में आपको जरूर प्रभु इनाम देगा। हम इनाम के लिए दौड़ना है, वो स्वर्ग अनंत जीवन के इनाम को लिए दौड़ना है, क्योंकि ये संसार एक जाली में एक झूठ है। ये संसार में हमको कुछ समय के लिए रखा गया है, कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन हमें जाना है, और हम जाएंगे कहां ये हमें पता होना है, हमें एड्रेस पता होना है, स्वर्ग का एड्रेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला कि सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता है। ओ लॉर्ड हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। Yeah.
परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, सभी को पवित्र आत्मा ने छुआ है, पवित्र आत्मा ने छुआ है। हम विश्वास करते प्रभु ये कलीसिया एक बढ़ोतरी का कलीसिया बने, आज्ञाकारी कलीसिया बने, ओ विजन को लेकर, दर्शन को लेकर, ओ आपकी महिमा और वो महिमा इनके जीवन से होती रहे। प्रभु ये कलीसिया खाली मोगा नहीं, पूरे पंजाब में इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, महिमा होने पाए। आप बड़े और हम घटे प्रभु, आप बड़े और हम घटे प्रभु। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इनके जीवन में पूरी हो, इनके परिवार में पूरी हो, इनके व्यवसाय में पूरी हो, इनके सेवकाई में पूरी हो, इनके घर में पूरी हो, इनके बच्चों के ऊपर पूरी हो। नेम ऑफ जीसस। प्रभु एक आदर्श का जीवन जीने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, आत्मा से बढ़ने के लिए और वचन से बढ़ने के लिए, और वो इन दिनों में 2022 में प्रभु इन्हें, प्रभु इनकी हर एक योजना में सफलता दीजिए प्रभु, सफलता दीजिए प्रभु, सफलता दीजिए प्रभु। सफलता केवल परमेश्वर, योजना मनुष्य बनाता है लेकिन सफलता परमेश्वर की ओर से है। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक के बच्चों के ऊपर, प्रत्येक जवान के ऊपर, प्रत्येक बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर और दूसरों के ऊपर आपके आशीष हमेशा बने रहे, हमेशा बने रहे। ये प्रभु ये लोग आपकी आत्मा से भरने भरने वाले, मसा से भरे वाले लोग बने प्रभु। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। हमारे पासवान पास्टर एलिशा जी के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिश्रम के लिए प्रभु, उन्होंने जो शुरुआत के दिनों में जो उन्होंने कष्ट सहा है प्रभु, जो दुख सहा है वो ही जानते हैं प्रभु और आप जानते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके दास को और मस्ता करना प्रभु, और मस्ता करना प्रभु। प्रभु आपने इन जगह में उन्हें रखा है, वो विजन है, वो इस बुलाहट है, वो बुलाहट और विजन के अनुसार आपने इन्हें रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इनके जीवन के हर एक पलों से, हर एक बातों से केवल आपकी महिमा मिले, केवल आपका राज्य बढ़े प्रभु। उनके साथ जितने भी लोग हैं प्रभु, प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जो भी लीडर है, जो भी एल्डर है, जो कमिटी में है प्रभु, बिना स्वार्थ का सेवा करें प्रभु, बिना स्वार्थ का, कुछ मिलेगा करके नहीं, लेकिन सब कुछ आपके लिए होने पाए प्रभु। और यूनिटी में और एकता में, नम्रता में, प्रेम में, दया में आप प्रसन्न रहते हैं प्रभु। प्रभु ये कलीसिया बढ़े और आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़े। ये सुंदर समय, सुंदर अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक को पवित्र आत्मा के द्वारा आपने छुआ और आगे का प्रभु भोज से लेकर सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा भक्ति आपको देते प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स, हालेलुया, और सेते कुमार के नाम से, और क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स यूट्यूब चैनल में आप उसको क्या करें, सब्सक्राइब। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ना, पहले डाउनलोड कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हालेलुया। और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि आने वाले समय में प्रभु के दास, महान दास साधु सुंदर सिंह बनाने का प्रभु ने मुझे मौका दिया, साधु किशन सिंह बनाने का मौका दिया, अब बनाने जा रहा हूँ भक्त सिंह, हालेलुया। परमेश्वर के एक दास थे जिन्होंने
70-80 की उम्र में भी ऐसा प्रचार करते थे, जब वो घुटने में प्रचार करते थे, और जब वो जब हैदराबाद में, वो पंजाब के थे लेकिन हैदराबाद में उनका आखिरी सांस जब प्रभु में दिए तो 3 मिनट के लिए पूरा हैदराबाद अंधेरा हो गया था। हालेलुया। उस दास के ऊपर फिल्म बनने जा रहा है, आप उस फिल्म के लिए दुआ करें, और हमारा आने वाले समय में दृष्टांत के, बाइबल के दृष्टांत के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, और मेरे लिए, मेरे प्रयास के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको, अगर आपकी प्रार्थना से अगर वो चीज आ जाती है तो स्वर्ग में उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का काम है, प्रभु अपने बंदों से, अपने लोगों से ही काम कराता है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में आशीष का महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष।
एमसी की आज में दयासागर चर्च में पास्टर हरमेश जी के द्वारा जो साधु किशन सिंह जी की मूवी दिखाई गई है, आइए हम पूछते हैं कि आपको ये मूवी कैसे लगी। आइए हम चर्च के पास्टर जी से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसे लगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यह समा दिता कि अज असी दयासागर चर्च के समूह कलीसिया और अलग अलग पासवान जो आए आ असी साधु किशन सिंह की जी मूवी अस देख पाइए और मैं बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरीके प्रभु जो साधु सुंदर सिंह जी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने बड़े दुखों के विच रह के प्रभु की सेवा की और मैं विश्वास करता साढ़े एक बहुत ही ये ब्लैसिंग का कारण है कि असी इसमें देख पाइए और जरूर सानू इस गल तो सीखने को मिलता कि किस तरीके जिहड़े परमेश के लोग है दुख सहते सहते सह सह के भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते उसकी गवाही देते हैं सब कुछ जान सके। और ये सिस्टर से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसे लगी। ये मूवी बहुत अच्छी लगी, इसमें बताया गया कि हमारे पर कोई भी आंधी तूफान आए हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे साधु किशन सिंह इतनी मुसीबतों में सब कुछ गुजारा पर फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। हमें को भी ये सीखने को मिलता है कि हम भी प्रभु कोई भी आंधी तूफान आए कोई भी हमें कहे कि यीशु ये क्रिश्चन लाइफ नहीं बढ़िया तो असी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। आइए हम और भी सिस्टर से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी। सर्वाइवल से जय मसीह की, मेरे को तो सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा। जो साधु किशन जी बहुत अच्छा प्रभु के नाम में काम कर रहे हैं सचमुच में। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु आदि और अंत अल्फा और ओमेगा वही, उसके जैसा कोई नहीं। तो धन्यवाद है प्रभु का कि सब कोई जितनी हमारे भाई और बहन बच्चे हैं कि ताकि वो भी पवित्रता में हो के और आत्मिक तौर से हो के और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें और कोई के घर में जाएं सच्चाई से प्रचार करें और प्रार्थना करके तब वहाँ से आओ। सब भाई बन के जय। क्या सिस्टर आप बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सभी को जैन से सचमुच ये फिल्म बहुत ज़्यादा वधिया सी। सानू बहुत सीखने को मिले जिस तरह साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी लाइफ के विच बहुत सारिया मुसीबत झलिया पर उन्होंने परमेश्वर को ना छड़िया। उन्होंने संसारिक वस्तुओं का लालच दिता गया पर उन्होंने परमेश्वर के राज की खोज की और सचमुच परमेश्वर के विच उन्होंने अपने जीवन अच्छी तरह बतीत किया। यही कहना चाहवागी सचमुच इस फिल्म को देखो और तुहाडी जिंदगी इस फिल्म द्वारा आशीष पाए। सरम जैन। आइए हम और एक और सिस्टर से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी। सारे भाई बहन के जय मसीह, मेरे को ये मूवी बहुत अच्छा लगा, बहुत चंगा लगा कि जैसे अच्छा लग रहा है कि मैं देखते रहूँ उनको सुनते रहूँ, इतना मेरे को प्यार से बहुत दिल से लगा। आइए हम और भी ब्रदर से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी। हमें ये मूवी बहुत अच्छी लगी और इसमें साधु किशन सिंह की जीवन की टेस्टिमनी थी और उसको देख के हमें बहुत ब्लेसिंग मिली और विश्वास करते हैं आप सबको। क्या ब्रदर बता सकते हैं आपको ये मूवी कैसी लगी। जी हाँ, हमें ये मूवी बहुत अच्छी लगी और बहुत ही आशीषित थी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हम ऐसे ही अगर नेक्स्ट टाइम जैसे मिलेगा तो और भी लोगों को बताएंगे जरूर ताकि और भी लोग आशीषित हों। अगर आप इस मूवी को नंबर देना चाहते हो 1 to 10 तो आप क्या नंबर दोगे। अगर रेटिंग देनी पड़ेगी तो मैं 10 में से 8 दूंगा, वो इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा अच्छा हो। आइए हम ब्रदर से पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह की। और जब हम ये मूवी देख रहे हैं तो हमारी जो आत्मिक जिंदगी है उसको इनक्रीज कर रही है। सो खुदा के लोगों के खुदा के लोग जब ऐसा खुदा में चलते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमने हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी और हमें भी बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है कि ये पिक्चर देख के कि और हम अब सोच रहे हैं कि हम लोग भी खुदा में इतने ज़ोर से बढ़ेंगे और खुदा हम सबको बंद कर दे। आमीन। आइए हम और भी लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने इस मूवी से क्या सीखा। सबको जन से कि मैंने जो इस मूवी में देखा कि ये कैसे कि परमेश्वर चाहे हालात हमारे कैसे भी क्यों ना हो लेकिन खुदा हमें संभालता है। परेशानियाँ चाहे कितनी बार हम देखते हैं कि जो ये मूवी में देखते हैं साधु किशन जी की तो देखते हैं कि कितनी दफ़ा उनको मौत भी आई लेकिन परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। और यही है कि हमें चाहे हालात हमें ये नहीं लग रहे लेकिन हमें खुदा में मजबूत रहना चाहिए, प्रभु पे परमेश्वर पर यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए
और मैंने इस मूवी के द्वारा बहुत सी आशीष को पाया है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये मूवी को देखें वो भी आशीष पाएं। सबको जय मसीह की। आइए हम बिशप जी से पूछते हैं कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं रियल में साधु किशन सिंह जी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मैं और साधु किशन सिंह जी, हम शांता बहन जी, हम बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं, तो हमने इनसे आशीर्वाद दिया है, बपतिस्मा इन लोगों ने दिया है, तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। तो ये मूवी रियल में कुछ इसमें ठेक नहीं है, इसमें पूरा प्रॉपर सही है। जो साधु जी ने, साधु किशन सिंह जी ने मुझे बताया था जीवन के बारे में, वो बिल्कुल इस फिल्म में बिल्कुल वही चीज़ दिखाई है, इसके ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ फेक नहीं है, वह रियल स्टोरी है। तो मुझे ये फिल्म देख के बहुत ही अच्छा लगा, तो ये फिल्म देख के बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो इन लोगों ने जन्म बढ़ाई है, मैं इनको भी प्रभु के नाम में आशीष करता हूँ कि प्रभु और इनको ब्लेस करें, ऐसी फिल्म और बहुत सारी बनाए तो लोगों के अंदर जागृति आए। जय मसीह की। आइए हम पास्टर जी से पूछते हैं कि नई मूवी कैसी लगी। और मूवी बहुत अच्छी लगी है, और देख के बड़ा मन खुश होया है। जिदा खुदा दे बाणी में लिखा है, प्रभु ने कहा वे जो सलीब और पीछे मुड़ के देखेगा और वो नहीं बचाया जाएगा, जो असलीब चुक के अगे नू बधेगा तो उही बचाया जाएगा। सचमुच जो भी सुंदर और पास्टर सुंदर जी ने और अपना जो परमेश्वर का काम किया अगे नू बध के देखा, हुण मौत बार नहीं देखा है। और मैं खुदा का धन्यवाद किया उहदे बच्चे फिल्म देखने दे नाल, और सानू बड़ा बल आया, सानू बड़ी शक्ति आई है, तां जो जैसे सुंदर सक ने और परमेश्वर का सेवक ने और इस तरह उन्हें अपना और परमेश्वर का काम किया है, वो सानू भी बहुत सीखने मिली है, ता जो असी भी दिल्ली दी नाल इस पंजाब दे विच और खुशी दे नाल और परमेश्वर की सेवा करांगे। बोलो हालेलुया। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स यूट्यूब को चैनल को सो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। सबको जय मसीह।